खबर आ रही झांसी से, जहां पर श्रवण मास के प्रथम सोमवार के दिन हिंदू जागरण मंच द्वारा विशाल जलाभिषेक यात्रा को आयोजन करोगा। जो जलाभिषेक यात्रा झोकन बाग से प्रारंभ होकर शेयर गेट, ओरछा गेट होत भय कसाई मंडी स्थित शिव मंदिर पर जाके समाप्त भई। उतई हम आपको बता दे, रतन को बाग स्थित शिव मंदिर में प्राचीनतम मंदिर में से एक आ। इत पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समय से विशेष मान्यता रखी जाती है। कई वर्षों से इतने पर विशेष समुदाय द्वारा मंदिर पे अतिक्रमण करो गौ तो, लेकिन हिंदू जागरण मंच के प्रयास से लगभग 7 साल पहले जो मंदिर अतिक्रमण मुक्त हो गौ तो, जी के बाद में लगातार इतने पे श्रावण के महीना में पूजा अर्चना करी जाते हैं। इस विशाल शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। शोभा यात्रा की शुरुआत से सैकड़ों की संख्या में महिला ने सिर पे कलश रख के शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली। गाजे बाजे डीजे के संगे इतने पे भगवान शिव की भक्ति में सब जने लीन दिखाए गए। यात्रा की समाप्ति पर सब ने शिवलिंग पे जल अभिषेक करो, जी के बाद में धतूरा बिलबत्ती चढ़ा के सब ने इतने पे अपने लाने मनोकामना मांगी है। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष हैं जयदीप खरे ने बताओ है कि शोभा यात्रा कई हिंदूवादी संगठन सम्मिलित हैं और शोभा यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। पिछले 2 साल से कोरोना काल से यात्रा नहीं निकल पा रही थी, लेकिन इस बार यात्रा निकली है, जी के बाद में सब भक्तगण इस दौरान आनंद लेते हुए नजर आए। आज हिंदू जागरण मंच द्वारा भारतीय संस्कृति को जीवित और सशक्त बनाने के लिए सावन के पहले सोमवार को महाजलाभिषेक यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें शिव भक्तों द्वारा बल चढ़कर महाशिव महाभिषेक किया जाएगा। और यह यात्रा शहीद पार्क से प्रारंभ होकर सैयर गेट कसाई मंडी होते हुए रतन के बाग में बाबा के स्थान पर एक जलाभिषेक करेंगे और वहां सभी शिवभक्त बाबा का जलाभिषेक करेंगे। हिंदू समाज को पुनर्जागरण करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, जो आज तक सो रहा था। क्या आपको लगता है हिंदू समाज जागरूक नहीं है? बिल्कुल जागरूक नहीं है, हम लोग ये कह रहे हैं इस बात को, और उस बात को जागरूक करने के लिए हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा, और जब आगे बढ़ेंगे तब हिंदू समाज जागृत होगा और वो अपने अधिकार को पहचानेगा और उन लोगों के लिए काम करेगा जो इस समाज के लिए काम करते हैं, और मलेच्छों के लिए और सबके लिए जो इस देश के लिए घातक बने हैं, विद्रोही बने हैं, देशद्रोही बने हैं, उनके लिए कम से कम अपने आप को संभालेगा। ये कांवड़ यात्रा पहले भी 4 साल से हिंदू जागरण मंच निकाल रहा था, कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं हो पा रहा था। इस साल फिर हिंदू जागरण मंच ने कांवड़ यात्रा निकालना शुरू किया है और सारे हिंदू भक्त शिव भक्त बहुत धूमधाम से बड़े हर्षोल्लास से यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में करीब 1.5 से 2 हज़ार भक्तों के शामिल होने की संभावना है। यात्रा शहीद पार्क झोकर बाग से शुरू होकर गोविंद चौराहा सैयर गेट से नीचे उतर कर ओरछा गेट से होती हुई कसाई मंडी में रतन के बाग के मंदिर में संपन्न होगी। सारे से भक्त जलाभिषेक करेंगे। हिंदुत्व अगर आप हैं, हिंदू और सनातन धर्म में पैदा हुए, तो कांवड़ यात्रा का महत्व समझाने से नहीं होता है, ये तो हम लोग सब लोग जानते हैं। ईश्वर के लिए प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए कांवड़ यात्रा, एक तरीके से हमारे लिए हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा विषय कांवड़ यात्रा है, और हमारे बड़े भाई कोई नहीं है भैया जी ने जो बताया, इसीलिए हम लोग सब लोग यहाँ पे हिंदू जागरण मंच में इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो आज ही संपर्क करें और प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी।